देखा देखो सिटी ऑफ लव पूरी दुनिया में वेनिस का नाम गोंडोला की वजह से भी फेमस है भाई हम पहुंच गए गोंडोला सर्विस पे जय हिंद नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और सबको राम राम मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं इटली के शहर वेनिस में और हम जा रहे हैं वेनिस को घूमने मन्नी अकेला जा रहा है वे भाई ये नहीं मान रहा चलो भाई चलते हैं वेनिस को घूमने चलें बस आ जा के भाई ये है हमारा अपार्टमेंट का गेट और बिल्कुल सिटी सेंटर सेंट मार्क स्क्वायर के पास है आपने पिछली वीडियो देखी होंगी और ये सामने ही ना शोरूम देखो आप कुछ अलग ही चीज़ें मिल रही हैं अंदर से ऐसा ना हॉरर सा लगेगा देखो ये मैडम कोई ऐसा वर्ल्ड का ब्रांड नहीं है जो आपको यहाँ पर वेनिस में ना मिले तो अगर आप एक शॉपिंग एंथुजियास्ट हैं तो भाई वेनिस आपके लिए जगह है वैसे भी वेनिस बहुत लोगों की ड्रीम सिटी है यार मन्नी को मज़ा आ रहा है वेनिस में हैं नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही आपको गंदा क्या है यहाँ पर बॉयज़ की हैं भाई आ जा कह रहा शॉप गर्ल्स की हैं बॉयज़ की नहीं हैं आगे है ना उधर हम गए नहीं ना भी उस साइड चलो मैडम की हमारी ड्रीम सिटी वेनिस मैडम स्वागत है आपका तो भाई हम पैदल पैदल वेनिस की गलियों को घूमने वाले हैं अभी सुबह हम गए थे सेंट मार्क स्क्वायर और वहाँ पर जो जो चीज़ें हम देख सकते थे वो हमने देखी आप लोगों के थोड़े से पैसे बचवा दिए यार आप लोग कभी भी वेनिस आएंगे तो उस वीडियो को देख के जज कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं और अगर फैमिली के साथ हैं आप लोग तो सोचो आपके कितने पैसे बचेंगे सिर्फ सेंट मार्क्स बसिलिका में जाने के लिए ही 15 यूरो पर पर्सन लग रहे थे अगर हर जगह आपको बसिलिका में जाना है और हर जगह जाने के लिए 15 यूरो पर पर्सन दिए तो अगर आप चार लोग हैं तो समझ लो आपके 60 यूरो लग गए तो आपके 60 यूरो बचवा दिए भाई आप देख लेना बसिलिका में अंदर क्या है बाकी तो लोग बाहर से ही फ़ोटो खिंचवा रहे थे और देखो कोई शोरूम ऐसा नहीं है जो इस जगह आपको वेनिस में नहीं मिलेगा और हम अभी हैं सिटी सेंटर में हमने यहीं अपना अपार्टमेंट बुक किया हुआ था सिटी सेंटर में मेरे को रहना पसंद है क्योंकि सब चीज़ें आसपास मिल जाती हैं आपको और आपको ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो आसानी से प्रोवाइड हो जाते हैं देखो वर्साचे वेलेंटिनो बहुत बड़े बड़े ब्रांड ये भी चर्च होगी आई थिंक अंदर से देखते हैं चर्चेज आपको बहुत खूबसूरत देखने को मिलती हैं यूरोप में एक्चुअली बहुत पुराने ज़माने की चर्चें हैं 200, 500, 700 साल पुरानी की आम चर्चें हैं मतलब 200 क्या 500 साल पुरानी चर्चें आम ही हैं यहाँ पर क्रिश्चियनिटी विश्व में सबसे ज़्यादा फैली हुई है सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियन है वर्ल्ड में और अगर आप चर्चेज देखोगे ना बहुत बड़ी बड़ी चर्चेज हैं यूरोप में पूरे हम चलते हैं यार बाहर चर्च वगैरह आपको काफ़ी सारी दिखा दी हैं और भी वीडियोस में आपको काफ़ी चर्चेज दिखाई हुई हैं हम लोगों ने ना एक भाई ने बोला था कलर कॉम्बिनेशन में नहीं हो आज सब हम वाइट वाइट में हैं देखो वेनिस में लोगों का सपना है इसी जगहों पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाना नीचे गोंडोला चल रहे हैं राइट और आप फ़ोटो क्लिक करा रहे हो है भी सपने जैसी जगह ना ऐसे छोटे छोटे 400 से ज़्यादा ब्रिजेस हैं ये जिनको आप क्रॉस करके एक गली से दूसरी गली में जाते हो शिनैल वो उधर है गुची अगर आपको हाई एंड ब्रांड्स की शॉपिंग करनी है तो दिस प्लेस इज़ फॉर यू डोल्चे गबाना बहुत बड़ा ब्रांड है यार बहुत महंगे कपड़े होते हैं एक दो बार कोशिश की लेने की ले नहीं पाए क्योंकि वर्थ इट नहीं लगता ना ठीक है यार हम ले सकते 2-4-5 हज़ार कितने के भी ले सकते हैं लेकिन वर्थ तो लगे ना ये इटालियन होगा ब्रांड आई थिंक सो इसमें बार एंड रेस्टोरेंट वगैरह हैं जॉर्जियो अरमानी अभी तो ये जॉर्जियो अरमानी का है तो भी ऐसा फीका फीका लग रहा है सबके आगे देखो सिटी ऑफ लव सिटी ऑफ रोमांस कहा जाता है वेनिस को ये देख लो भाई ये क्या बेच रहे हैं पता नहीं आप लोगों को पता हो तो बता देना और ऐसी छोटी छोटी खूबसूरत गलियाँ वेनिस में आपका मन मोह लेंगी भाई यहाँ पे पर्स वगैरह
और ये इटालियन स्टाइल बहुत बिकते हैं। और अगर आपको अपने घर को सजाने का शौक है तो भी कुछ यूनिक आइटम्स आप यहाँ से ले सकते हैं भाई। एंड इससे ये कुछ सैंडविच बर्गर्स वगैरह के रेट हैं, देख लो भाई, 6 यूरो, 5.5 यूरो, 6 यूरो का सैंडविच है, मतलब 4.5, सबसे कम शायद 4.5 यूरो है, 4 भी है 3.5 भी है, ये एक है भाई 3.5 यूरो। लेकिन क्या इससे पेट भर सकता है एक से, बताना भाई, आपको लगता है कि इससे एक से पेट भर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो तो भाई ढेर सारा खाना पीना ले आना जो मतलब मिनट मेड होता है, और अपार्टमेंट्स में रहो, अपनी सलाह ये है, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो खाना पीना यार आप समझो कितना, आप बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह कितना खाओगे, सैंडविच इसको कितना स्पैगेटी को खा लोगे, आपको एक टाइम पे अपने दाल चावल रोटी ब्रेड सब कुछ चाहिए, बटर ब्रेड है ना, जो भी हम लोग खाते हैं, दूध दही लस्सी खीरा सैलड फ्रूट्स वो चाहिए। तो आप अगर बाहर खाओगे और होटल्स वगैरह में रहना भाई फैमिली के साथ तो फिर ठीक है, वो मज़ा नहीं है, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते आप चीज़ों को ना, बस होटल में खाया होटल में रहे और फिर आगे निकल गए आप लोग अपना टूर लेके, क्योंकि अगर आप होटल में रह रहे हो होटल में ही सब कुछ आपने बुक कर रखा है तो आपने टूर पैकेजेस वगैरह भी बुक कर रखे हैं, इसका मतलब फिर आप ना सीख नहीं पाते चीज़ों को अच्छे से और अच्छे से कंट्री को आप देख भी नहीं पाते, क्योंकि अगर अच्छे से आपको देखना है तो उनके लोकल जगह पर ट्रैवल कर रहे हो और लोकल बसेस में टैक्सी में आपको चीज़ें पता लगती रहेंगी। मुझे लग रहा मन्नी की आवाज़ आ रही है, हाँ मन्नी की आवाज़ ऐसी है ना हमारे कहीं से भी भाई, लाउड स्पीकर है वो अपना। ये होते हैं जो फ्लड हो जाते हैं ना होटल, हाँ। वो देखो उस वाले के जिसके साइन भी लगा हुआ है, पानी अंदर जा रहा है उसके होटल में, ये फ्लड हो रहा है। तो भाई ये सिटी कुछ आने वाले 100 सालों में डूब जाएगी ऐसा कहा जाता है, 80 सालों में। और यहाँ से आप देखो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, पूरी दुनिया में वेनिस का नाम गोंडोला की वजह से भी फेमस है, वेनिस और गोंडोला एक दूसरे के पूरक है। हाँ कई जगह हमारे इंडिया में मॉल बना रखे हैं, इसका नाम ही वेनिस मॉल रख दिया, वहाँ पे एक छोटी छोटी ऐसे कनाल सी बनाई हैं डुप्लीकेट और उनमें वो ऐसे गोंडोला चला रहे हैं। अगेन जब भी आप वेनिस की गलियों में घूमोगे तो ऐसी खूबसूरत इमारतें आपको, चर्चेज बिल्डिंग्स पुराने रईसों के घर राजाओं महाराजाओं के घर दिखते रहेंगे। आज ये सारे होटल्स में कन्वर्ट हो गए, किसी टाइम में शायद लोगों के घर हुआ करते थे। और वेनिस आपको पता ही है दुनिया में मस्ट विजिट सिटीज़ में से एक है, 5 करोड़ लोग सालाना इटली को घूमने आते हैं, वर्ल्ड्स 5th मोस्ट विजिटेड कंट्री है इटली। पॉली डिस्टिलरीज, कुछ अलग सी शराब लेनी हो तो भाई मिल जाएगी। हाँ हमने भी बहुत सारे लेने एक जगह से पर्स, मम्मी ने पसंद किया उससे सारे एक साथ ले लेंगे, ठीक है डन हो गया। लेदर के होते हैं, लेदर के, चल चल चल। और एक ये भाई सेंसोविनो पिज़्ज़ेरिया है, यहाँ पे रात को हिंदी गाने चल रहे थे, मैंने भाई को शुक्रिया बोला था, बांग्लादेशी अपना भाई था रात को अंदर, और भाई उसका शुक्रिया, ये भी शायद बांग्लादेशी भाई है। रात को हम घूम रहे थे यहाँ पर वेनिस में आकर गलियों में, मज़ा आ रहा था, रात का अलग नज़ारा था और दिन का थोड़ा सा अलग नज़ारा है। अगर आपको म्यूजियम्स वगैरह देखने हैं शौक हो तो ठीक है, बच्चे बोर हो जाते हैं यार, बच्चे तो देखना चाहते नहीं हैं। फेमस चीज़ें थी वो आपको दिखा दी हैं सुबह, और जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लेना जाके लास्ट वीडियोज़ में। डॉग्स बहुत पाले हुए यार इटली में, पूरे इटली में ना डॉग्स का बहुत प्रचलन देखा, अच्छी बात है यार। ये लोग ना हमारी तरह हैं फैमिली लवर, इनके जो फैमिलीज़ हैं वो साथ रहती हैं, मतलब बच्चे बूढ़े दादा दादी सब इकट्ठे रहते हैं आपस में ना, और हमारी तरह, और ये डॉग्स वगैरह भी हमारी तरह बहुत पालते हैं भाई। है कि ये मार्केट लगी हुई है यहाँ पर, कुछ एंटीक चीज़ें कभी कभी इन मार्केट्स में मिल जाती हैं जो स्ट्रीट मार्केट्स होती हैं यहाँ पर। ओ भाई के चैन दिख लो, ऐसी ऐसी गलियों में घूमने का मज़ा भाई। वैन इसमें जा रहे हो सीधे सीधे लोगों के साथ नहीं जाना, लीक से हट के काम करो हमेशा, लीक से हट के काम करने में कई बार नुकसान भी हो जाता है,
सीधा गंडोला में बैठ सकते हो यहाँ से तो। किश्ती खड़ी है भाई, कोई स्पीड बोट, ये सब डूबता सा जा रहा है। ये भी गेट देखो आप नीचे ना, ये रोका है देखो, पिलर्स लगाए हैं। ओ भाई, जाते जाते एक ऐसी जगह पे आ गए, ये भी गुड लक हुआ यार, मैं तो ये कहूँगा। मेरा इस जगह को मैं हमेशा देखता था वेनिस के नाम पे ना, ये जो एरिया है ना, ये हमेशा फ़ोटोज़ वीडियोस जेम्स बॉन्ड की वीडियोस में ज़्यादा दिखता था, ये मैं हमेशा सोचता था। और देखो ऐसी गलती से पहुँच गए यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जो आपकी दुआओं से ऐसे ही चलते चलते चीज़ें दिख जाती हैं मुझे। बच्चों की माता ने कहा गोंडोला पे जाना है, हम पूरी मेहनत करें, गोंडोला जहाँ दिख जाए ना, कहीं बोट खड़ी और कहीं लिखा हुआ वहीं गोंडोला पे खड़े हो जाते हैं। जाएंगे भाई जाएंगे, सब जगह जाएंगे, डोंट वरी। थक गया? वहाँ होटल में छोड़ा है? थक गया। देख कितना तेज है, इसको पता थक गया कहते हैं ना, हम इसे गोदी में उठा लेते हैं और थक गया कह देता है। ये है वो मोस्ट ब्यूटीफुल जो व्यू होता है वेनिस का, जो दिखता होगा। मैंने एक कोक ले लें, थकान दूर हो जाएगी है, ठीक है? कहाँ से ले? अभी लेंगे किसी शॉप से ना। थक रहा हूँ। चलो कोक ले रहे हैं, फिर कोक ले रहे हैं, कोक ले रहे हैं। एक भी अच्छी फोटो पता क्यों नहीं आई मास्टर को? फोटो मास्टर आप देखो जो फोटो, अब कोई फोटो ऐसी नहीं है भाई साहब जो खराब आएगी। कमाल करते मजनू भाई, कमाल कर दिया भाई, क्या फोटो लिया मजनू भाई, कमाल है भाई। यार ये एक जगह है जो हमेशा से मुझे लुभाती रही है मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में आपने बहुत ये लोकेशन देखी होगी। और बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी जगह को सोचते हो और किसी दिन आप वहाँ पहुँच जाते हैं। आप जब बुक्स में से, आप जब मूवीज़ में से, आप जब पिक्चर में से, आप जब वीडियोस में से निकल के सीधा उस जगह पे खुद पहुँच जाते हो ना, उस समय का मज़ा ही कुछ अलग आता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, कुछ लोगों को पहाड़, कुछ लोगों को नदियाँ, कुछ लोगों को प्राकृतिक सीन पसंद आते होंगे, जिनको भी वो नज़ारे पसंद आते होंगे, जब भी वो उन जगह पहुँचते होंगे उनको बहुत मज़ा आता होगा। ऐसा ही मज़ा मुझे आ रहा है यहाँ। अब हम उस ब्रिज से जा रहे हैं दूसरे किसी जगह पे। यहाँ का कैसा है यार, वाह वाह वाह, देखा कोई पी भी नहीं सकता ऐसे। भर ले भाई, भर ले। भाई वेनिस में भी ऐसे वाटर फाउंटेन आपको मिल जाएंगे। मन नहीं करता पानी भरने में, बहुत मज़ा आ रहा है। भाई तो हीरो है ना मन्नी का।
भाई हम पहुंच गए गोंडोला सर्विस पे, और ये है भाई यहाँ पर टैरिफ गोंडोला सर्विस का 80 यूरो स्टैंडर्ड टैरिफ है, 100 यूरो पर, और 100 यूरो भी है। ये है नाइट टू 35 मिनट्स, ये 30 मिनट्स ड्यूरेशन है। कैन वी पे बाय कार्ड? कैश कैश ओनली, नो कार्ड? ओके नो प्रॉब्लम। तो भाई ये सुन लो, कैश ओनली है, नो कार्ड, ठीक है? तो हम चल रहे हैं गोंडोला में, मन नहीं जाएगा? 100 का देना, हाँ 100 का मतलब तो 1 लाख। चलो फिर चलते हैं। 100 का मतलब तो क्या है? हाँ 1 लाख। ओके 2 लाख भी हो जाते कभी कभी। ओके लेट्स गो, लेट्स गो। एनेबल या दिस साइड।